सरगुजा की दरिमा हवाई पट्टी के एयरपोर्ट में तब्दील होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दरिमा एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग, एसीसी टावर और मौसम विभाग के कार्यालय सहित दूसरी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद अपनी ओके रिपोर्ट सौंपती है। इसी कड़ी में एयर ओडिशा को विमान सेवा के लिए अधिकृत किया है, जिसके 20 सीटर विमान सरगुजा से बिलासपुर और रायपुर के लिए उड़ान भरेंगे। हवाई सेवा शुरू होने से न केवल लोगों को कई तरह की सहूलियतें होंगी, बल्कि यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। दरिमा एयरपोर्ट को लेकर अब सेंट्रल एविएशन की मंजूरी बाकी रह गई है, जिसके मिलते ही यहां से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट के सभी काम लगभग पूर्ण हो चुके हैं और जितने उनके स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं उस हिसाब से स्टेट लेवल की टीम और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले लोग अधिकारी लोग आए थे उनके द्वारा उसमें संतुष्टि व्यक्त की गई है। और उसके बाद फिर फर्दर जो प्रक्रियाएं जो है वो चल रही हैं, वो पूर्ण जैसी होंगी एयर सर्विसेज शुरू हो जाएंगी।